राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और मैं हूँ आपके साथ इरफान। और हमारे साथ हैं आज बहुत ही ख़ास मेहमान, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, 40 साल पहले जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और जिनका जीवन संगीत को समर्पित है, गिरधर गमांग। गिरधर गमांग। 40 साल पहले अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले गिरधर गमांग का संगीत के साथ गहरा रिश्ता है। 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे गमांग, कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी। अपने आदिवासी साथी कलाकारों के साथ पिछले 20 वर्षों से सक्रिय संगीत कर्म में देश विदेश की सैकड़ों यात्राएं करते हुए 350 संगीत सभाएं कर चुके हैं गिरधर गमांग। मुख्य रूप से वादक होते हुए गिरधर गमांग का संगीत आदिवासी परंपरा की सतरंगी झांकी है। लगभग 30 वाद्य यंत्रों को समान कौशल से बजाते हुए वो कभी भी गरीब मेहनतकश आदिवासी संगीतकारों पर हावी होने की कोशिश नहीं करते। सबको समान स्थान और अवसर देते हुए उनकी नजर संगीत की संभावनाओं पर हमेशा रहती है। वो संगीत जिसके लिए उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बड़े ही सरल व्यक्तित्व के मालिक गिरधर गमांग को अपने वाद्यों के बीच हर क्षण नई ध्वनियों की तलाश में देखना एक अनोखा अनुभव है। जो वाद्य वो इस्तेमाल करते हैं उनमें से कई 300-400 साल पुराने आदिवासी वाद्य हैं, जबकि कुछ को तो वाद्य कहने का भी मन नहीं करता। मामूली चीजों में छुपे संगीत को ढूंढ निकालना आदमी के ही बस की बात है, और फिर वो आदमी गिरधर गमांग हो तो क्या ही बात है। गिरधर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। हमें मालूम है कि आज ये बातचीत, ये गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प और म्यूज़िकल होने वाली है, लेकिन हम शुरू करें उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने संगीत का एक उसकी वानगी आप हमारे लिए पेश करें। गिरधर जी, ये जो यहाँ हम वाद्य देख रहे हैं, कुछ वाद्य तो हमारे देखे हुए हैं लेकिन कुछ बिल्कुल अनोखे वाद्य हैं, जिनमें से आप कहते हैं कि कुछ वाद्य तो सदियों पुराने आदिवासी जीवन में इस्तेमाल किए जाते थे, और जो आपके साथ संगत कर रहे साथी हैं वो भी खुद उड़ीसा के आदिवासी इलाकों से आते हैं। हम चाहेंगे कि आप पहले प्रोग्राम हम शुरू करें उससे पहले उनका परिचय एक एक करके हमें बताएं। जी, पहले तो उत्तरीनाथ लिमा है जी,
वो बहुत अच्छा कलाकार है भैया, देश विदेश में मेरा साथ संगत किया उन्होंने। और उसके बाद दिवाकर है, वो मेरा संगत करते रहते हैं वाद्य यंत्र में। और जो पखोज में जो बैठे हैं उनका नाम है कैलाश बिस्वाल, उसके बाद काइनो जो है वो जो तुरी बजाता है वो तो निश्वास प्रश्वास बिना लिए सीधा करके हाफ एन आवर तक बजा सकते हैं और बंद भी नहीं होता है। वो भी बहुत अच्छा कलाकार है, वो भी मल्टी म्यूजिशियन है। और मेरा साथ जो संगत में आज है वो तो मेरा साथ बहुत जगह गए हैं। रिहर्सल तो हम नहीं करते हैं, स्टेज पर जो रिदम आता है उस रिदम को बेस करके हर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वो संगत कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेरा परमानेंट टाइप का टीम है। उसको छोड़कर अब जो है वो तो आते रहते हैं स्टेज पर, वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो आज राजसभा टीवी में पहले बार हम जब इतना बड़ा मौका हम लोग को मिला कि एक अनजान लोगों का अनजान कलाकार है और जो वाद्य यंत्र है वो भी एक अनजान है, तो ये हमारे लिए भी सचमुच गिरधर जी बहुत ही सौभाग्य का मौका है कि हम उड़ीसा के पारंपरिक वाद्यों के साथ और एक बड़े ही सीजनड राजनेता के साथ बैठकर हम इस संगीत की महफिल सजा रहे हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस प्रोग्राम में आनंद आएगा। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें गिरधर जी, क्यों ना कुछ गायन का एक सिलसिला सा सब लोगों के साथ। गिरधर जी बताइए, ये कहानी आपकी संगीत के साथ के जुड़ाव की ये कहाँ से शुरू होती है? गांव में तो थोड़ा थोड़ा सुनते थे हम, देख देख कर नाते हैं, देख देख गाते हैं सब सुन के नाचते हैं, उस टाइप का तो प्रभाव तो था ही। लेकिन मैंने एक शुरुआत किया 86 में, गांव के लोग थोड़ा मिलाओ, मिला के फिर एक स्टेज पर प्रोग्राम करो, नहीं तो वो स्ट्रीट में जो जाते हैं ना, जब पर्व होता है, जो हमारा उत्सव होता है, वो नाच गाना करते करते वो जाते हैं, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किए थे। तो स्टेज परफॉर्मेंस मैंने शुरू किया 1986 में। उसके बाद थोड़ा बहुत चलता रहा। हमारा जो आदिवासी परंपरा में तो गुरु कोई नहीं होता है, सुन सुन कर गाना गाते हैं, बाजा सुन के बजा सकते हैं, वो नाच देख देख नाच सकते हैं, तो इमिटेशन जिसको कहते हैं उसी टाइप का था। उसी प्रभाव से मैं भी देखा कि वो जब इन लोगों ने ऐसा कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं करूँ।
तो मैं तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता था, लेकिन शुरुआत तो हुआ 92 में, तो प्रोग्राम किया दिल्ली में, वहीं इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता था। हमारा एक गुरु थे, वो प्रोग्राम जब करते तो उसी में फिर मैं प्रोग्राम किया था। उसके बाद मैं देखा कि हमारा जो ट्राइबल म्यूजिक हो, ट्राइबल डांस हो, या ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ट्राइबल आर्टिस्ट जो है, वो घंच अरण्य जंगल में रहते हैं और उन लोगों को कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा आदिवासी परंपरा में एंटरटेनमेंट के लिए हम प्रोग्राम या गाना या नाच नहीं करते हैं। वो गॉड और गॉडेस को या भूत प्रेत को हम अर्पण करते हैं नृत्य और संगीत में। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट है तो हिडन टैलेंट जो है उसको आगे लाना है। ये जो भी हो, सिर्फ आदिवासी का नहीं, जो भी हो, जितने कलाकार है, जो छिपी हुई कलाकार है, जो जानते नहीं उसको, लेकिन उसको स्टेज पर ले आना। तो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट, ये तीन चीज़ को मैंने लेके खुद मैंने परफॉर्म शुरू किया। करने के बाद 95 से शुरू सहित मेरा जो शुरुआत हुआ, जो स्टेज परफॉर्मेंस, उसके बाद एक एक करके जो ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है उसको तो मैं बजाता हूँ और वो सुन सुन कर बजा लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को जब एक मौका मिलता है, कोई उत्सव होता है, कोई गाना बजाना होता है, उसमें मैं सुन सुन कर मैंने रिदम को चुना। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने लिया, वो कॉन्सेप्ट है कि जितनी प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट या एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट जितनी है, उसी को मैं सोचा कि आर्टिस्ट साथ उन लोगों को थोड़ा प्रमोट करूं। तो लेकिन उनको प्रमोट करते करते इन लोगों को जब साथ लेता हूं, बजाता हूं, सिर्फ यही नहीं, हर क्लासिकल, फोक, वेस्टर्न, किसी भी संगत में कर सकता हूं। तो उसी में एक कंसेप्ट मैंने लिया कि साइंस ऑफ साउंड को, टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ म्यूजिक। तो किसी भी शब्द को आप संगीत में ले सकते हैं, लेकिन वो शब्द को क्या लेना है, उसमें एक नोटेशन होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, शब्द और नाद। नाद तो होता है, लेकिन शब्द जो है, शब्द का जो है एक नाद के साथ जोड़ना है। तो उसी ढंग से ये फोक इंस्ट्रूमेंट हो, ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट हो, क्लासिफाइड क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट हो, हर जगह में आपका शब्द के साथ समय का बंधन है। तो उसी मुताबिक वो लोग भी बिना गुरु से वो बजा लेते हैं, मैं भी बजा लिया। बहुत बढ़िया गिरधर जी, आपने जो ये संगीत का टुकड़ा सुनाया उसमें सचमुच जीवन की सुगंध छुपी हुई है और जीवन का उत्सव है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे और संगीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे गिरधर गमांग के साथ, जो कि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और संगीतकार हैं।
अभी मैं संगत का संगीत में जाऊंगा। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू के इस बेहद म्यूजिकल एपिसोड में। हमारे बेहद खास मेहमान हैं आज उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता, जो कि आज एक सक्रिय संगीतकार हैं, गिरधर गमांग। गिरधर जी, स्वागत है एक बार फिर से। क्या सुना रहे हैं आप ब्रेक के बाद हमें? ये बांस है, ये बांसुरी होता है, लेकिन इसमें बजा भी हो सकता है। ये ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है और ये सब हर जगह से कलेक्ट किया, कहाँ बुद्धिस्ट इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ थाली है वो, और किसी भी शब्द को मैं संगत कर सकता हूँ। इस कंसेप्ट को मैंने जब डेवलप किया, आज हर जगह मैं तो प्रोग्राम करके आ रहा हूँ। किसी भी शब्द को ये सब तरंग है, लेकिन इसी को मैं म्यूजिक में कन्वर्ट करूँगा। किसी भी शब्द को आप संगीत में ले सकते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन का है। तो इसलिए जितनी मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो नाच में होता है, गाने में होता है और नृत्य में भी होता है। क्योंकि जब मैं गुरु किसी को नहीं लिया, या मैं गुरु किसी का भी नहीं, क्यों वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है अपनी खुद का है, तो मैं कंसेप्ट किया जो नृत्य जो होता है, नृत्य का शैली मेरा गुरु है। और जो इंस्ट्रूमेंट बजता है वो शब्द मेरा गुरु है। और जो गाना होता है, गाने का सुर जो है मेरा गुरु है। कोई व्यक्ति विशेष में गुरु नहीं है, तो मेरा शब्द ही मेरा गुरु है। उससे मैं शुरू किया, ओंकार ब्रह्म से। ओंग से भाषा की सृष्टि है, ओंग से संगीत की सृष्टि है, वो सामवेद से आया है जी। तो उसको डेवलप करते करते ओंग, ये सब हर चीज़ का ओंग है, किसी भी साउंड ओंग है, तो उसी को मैंने डेवलप करके किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाऊंगा या किसी भी शब्द को मैं संगीत में ले सकता हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ इसका नाम है ढांप जी। ये 5th century का इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है और फोक में भी यूज़ करते हैं जी जी। तो मैं जब जितनी ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाया, फिर एग्जिबिट किया, अभी मैं संगत का संगीत में जाऊंगा। एक ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट जो क्लासिफाइड क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट साथ जुगलबंदी जिसको कहते हैं, तो शब्द का शब्द मिलाऊंगा, वो तो क्लासिकल बजाएंगे, मैं शब्द का तरंग करूंगा, फिर फोक ट्राइबल का जो संगत जो है उसी भी होगा करके मैं बाद में ये सब एग्जिबिट करूँगा, लेकिन अभी संगत के जा रहा जी। Thank you.
बहुत बढ़िया गिरधर जी, आपने जो ये संगीत का टुकड़ा सुनाया उसमें सचमुच जीवन की सुगंध छुपी हुई है और जीवन का उत्सव है।